हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम समझेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं जिसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या होती हैं स्ट्रैटेजीज, कैसे ये काम करती हैं और कैसे स्ट्रैटेजीज को मैनेज करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आप लोगों ने इससे पहले मैनेजमेंट पढ़ी है, आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल होता है। आपको क्या लगता है गोल अचीव करना, एक टारगेट अचीव करना बहुत आसान होता है? बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है इन ऑर्डर टू कम्पीट विद योर कम्पिटिटर, और यू कैन से आपके कम्पिटिटर से आगे कैसे निकला जाएगा, दैट यू नीड टू डू थ्रू मेकिंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजीज। आपको अपने गोल्स, अपने टारगेट, अपने सेल्स टर्नओवर्स, जो भी आपके टारगेट्स हैं इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो आपको उसको कैसे अटेन करना है और कैसे अपने कम्पिटिटर को बीट करना है, दैट ऑल वी नीड टू डू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजीज। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रैटेजीज क्या हैं और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का रोल क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन गोल में स्ट्रैटेजीज कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेसिकली इट इज एन इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। ये एक बहुत ही जरूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है, अपने स्कार्स रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करते हुए कैसे उनका बेस्ट यूज करना है, और ये सब करने के लिए आपको साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट को समझना भी है और उसको मीट आउट कैसे करना है, उसके साथ डील कैसे करना है, सो दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एबल टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑल्सो। तो यानी कि ये वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलनी है जब वो अपने स्कार्स रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करते हुए अपनी एनवायरमेंट की कंडीशंस को समझते हुए मीट आउट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक पहुंचते हैं, राइट? तो बेसिकली पहला पॉइंट आपका यही बता रहा है कि एक इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल, दैट मींस अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है जो कैसे अपने अलग अलग स्कार्स रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करती है। और जब आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो व्हाइल प्लानिंग अ स्ट्रैटेजी इट इज एसेंशियल टू कंसीडर एवरी एस्पेक्ट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया, आपको कैसे अपने स्कार्स रिसोर्सेज पे काम करना है, कैसे उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम नहीं बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, और ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरमेंट को यानी कि आपको मार्केट को समझते हुए अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी है। तो जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी is basically a direction and scope of an organization। यानी कि जब आप strategy बना रहे हैं तो आप सिर्फ कल के बारे में नहीं सोच रहे, आप एक long term direction के बारे में सोच रहे हैं। That means, it means it is a scope of an organization over the long term, which achieve advantages for the organization through resource utilization with a changing environment and to fulfill stakeholder expectations। इसकी सिंपल अभी जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसको मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। अगर आप ये की पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लेंगे तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आपको बेसिकली कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है, कोई एक एक पॉइंट याद रखने के लिए सिर्फ कुछ आपको की पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचना है जब आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी आ रही है। दूसरा, आपको अपने स्कार्स रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, राइट? और आपके दिमाग में दूसरी चीज ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना है कि आपको अपने रिसोर्सेज से क्या क्या करना है, और उसके अलावा आपको अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे कि हमने हमेशा से बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा है, मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है जिसमें एक बिजनेस प्रिवेल करता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक मतलब जो हर वक्त बदलता रहे, आपको नहीं पता कौन सा नया कंपेटिटर एक नई टेक्नोलॉजी या एक नई
किसी नए तरीके के साथ आ जाएगा कि सो दैट आपका प्रोडक्ट कहीं आउटडेटेड या ऑब्सोलीट ना हो जाए। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब एक स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी है। फर्स्ट पॉइंट, आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चलना है। दूसरा, आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोच के चलना है। तीसरा, आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट पे ध्यान देते हुए चलना है। एंड फोर्थ, आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को नहीं भूलना है और चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना है। तो ये चार पॉइंट्स आई होप आपको अभी तक लर्न हो गए होंगे। अगर आप लेट सपोज वाइल राइटिंग आंसर आप स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करना भूल जाए, तो प्लीज ये चार पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। आप उससे रिलेट करके यू कैन एबल टू राइट ऑल्सो। तो उसके आगे चलते हैं, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। जब मैं स्ट्रैटेजीज की फीचर्स की बात कर रही हूँ तो क्या क्या फीचर्स होते हैं स्ट्रैटेजीज के, इसको समझ लेंगे हम फटाफट से। ये आपको मैंने आपको जैसे बताया ये लॉन्ग टर्म होती है, तो आपको सबसे पहले दूर के बारे में सोचना है। और आपको ये भी पता है ऑर्गेनाइजेशन कैसे एनवायरनमेंट में प्रिवेल करता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में, यानी कि एक अनसर्टेन इवेंट्स कभी भी आ सकते हैं। तो आपको जब दूर के बारे में सोचना है, फोर साइटेडनेस देख के चलना है, तो आपको अनसर्टेन इवेंट्स अगर क्या क्या आ सकती हैं आपको उसको इवैल्यूएट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला फीचर स्ट्रैटेजी बनाते टाइम। दूसरा, स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, ना कि रूटीन डेवलपमेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन में भी बताया था, आपको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, ना कि शॉर्ट टर्म, यानी कि डेली के काम के लिए आप स्ट्रैटेजीज नहीं क्रिएट कर रहे, आप एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए स्ट्रैटेजीज को बना रहे हैं। जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट करना है, कोई मेथड ऑफ प्रोडक्शन नया लेकर आना है, नई मार्केट में आपने एंटर करना है, ये आप लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, ना कि आज के लिए। अगर आज आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो आप क्या सोच के चलते हो, दैट इज ओनली फॉर सम डेज? नो, इट शुड बी फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो यानी कि जब आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो, आप एक लंबी, एक बहुत दूर की सोच लेके चल रहे हो, तो यानी कि यू आर फ्रेमिंग अ स्ट्रैटेजी। तो इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया बनाने का सोच रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लाने का सोच रहे हैं, कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हो, कोई नई मार्केट डेवलप कर रहे हो आप, राइट? तो दीज आर दी एग्जांपल्स। उसके बाद आपको अपने कंपेटिटर्स के मूव पे ध्यान रखना है। यू नीड टू कीप एन आई ऑन दी मूव्स ऑफ योर कंपेटिटर। आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है वो आपको कभी भी नहीं भूलना है। यानी कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन अरे यार मैं तो अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचूंगा, व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट माय कंपेटिटर? ना 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 ना, आपको टाइम टू टाइम इस चीज का चेक रखना है। यू नीड टू चेक कॉन्स्टेंटली कि आपका कंपेटिटर का मूव अभी क्या है, what the other organization or your competitor are doing in the market, वो market में कैसे काम कर रहे हैं। You need to check what technologies they are following, you need to check what product they are offering। ऐसा तो नहीं है कि customer मेरे product से खुश नहीं है लेकिन मेरा competitor बहुत unique सा product market में लेके आया। अगर वो यूनिक लेके आया तो आप उससे बेटर कैसे होंगे? तो वो सब सोचने के लिए आपको एक तो कस्टमर बिहेवियर के लिए सोचना पड़ेगा और दूसरा अपने कंपेटिटर के। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रैटेजीज क्रिएटेड टू डील बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स एंड कंपेटिटर। एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन काम क्यों करती है, बिजनेस एंटरप्राइजेस काम क्यों करते हैं? अरे यार, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो हमारा सोल मोटिव है ना। कस्टमर आएगा तभी तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा। तो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट व्हाइल क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी, व्हाइल डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी, आपको कस्टमर के बिहेवियर के बारे में सोचना है। एट द सेम टाइम कंपेटिटर, यानी कि आप अगर नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो तो आपका कंपेटिटर, आप अगर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो तो कस्टमर का रिस्पॉन्ड कैसा है? सर्विस होते हैं मार्केट सर्विस, वो वही ऑर्गेनाइजेशन कराती हैं जो दे आर डूइंग सम स्ट्रैटेजी वर्क्स, दे आर प्रिपेयरिंग और दे आर डेवलपिंग सम न्यू काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज इन द मार्केट, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम न्यू प्रोडक्ट, ट्राइंग टू एक्सप्लोर सम न्यू मार्केट, ये वही लोग उसके लिए जाते हैं। तो आपको मार्केट सर्वे टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। उसके बाद स्ट्रैटेजी आपका रोड मैप डिफाइन करती है कि आप आने वाले फ्यूचर में क्या क्या करने वाले, आपका मिशन बताती है, आपका विजन बताती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देती है। तो दीज आर दी पॉइंट्स, इट डिफाइन्स ओवरऑल मिशन, विजन, डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना और
कंपेटिटर की स्ट्रेंथ को कम करना, ऑब्वियसली हम थोड़ा ना चाहेंगे हमारा कंपेटिटर हमसे आगे चला जाए, नो नेवर। तो आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है और कंपेटिटर के प्रोडक्ट या उसको कैसे कम्पीट करके पीछे करना है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मिनिमाइज करोगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके, आपका कंपेटिटर लेफ्ट आउट हो जाए, उसके लिए आपको उसी चीज को दिमाग में रखते हुए स्ट्रैटेजीज बनानी है, राइट। उसके बाद आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन और स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज बार बार सिर्फ चार पॉइंट दिमाग में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल, तीसरा एनवायरनमेंट, क्या चल रहा है एनवायरनमेंट में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बार बार दिमाग में लेते हुए चलना है, अगर आप ये चीजें लेके नहीं। और चौथा पॉइंट मैं भूल गई, नहीं, स्कार्स रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन। तो ये चार पॉइंट जैसे ही आपके दिमाग में आएंगे, आप फटाफट इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर देंगे और इसको लिखने में और याद रखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन सबसे पहले क्या है, लाइकली टू बी कंसर्न्ड विद लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, आप रूटीन ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए स्ट्रैटेजीज नहीं बनाएंगे। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर ट्राइंग टू अचीव सम एडवांटेजेस। किसका एडवांटेजेस, यू हैव टू बीट आउट योर कंपेटिटर। कैसे कंपेटिटर को पीछे छोड़े, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर ट्राइंग टू अचीव सम एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसा प्लस लेके आओ कि आपका कंपेटिटर पीछे हो जाए। So, strategic decisions are trying to achieve some advantages for the organization over competitor. Strategy is likely to concern with the scope of organizational activities. अब यहाँ पे organizational activity से लेना देना क्या हो गया, organization की activities से लेना देना ये हो गया कि organizational activities का आपको पता चल जाता है आने वाले time में आप क्या क्या activities करने वाले हो, while you are framing or while you are developing your strategies. Strategy can be seen as matching the resources and activities to the environment in which it operates. Sorry, फिर से वही चार points, long term, organization का goals, scarce resources का best use, और चौथा environment को नहीं भूलना है, environment पे ध्यान रखना है, environment क्योंकि dynamic nature का है। स्ट्रैटेजीज में रिक्वायर रिसोर्स चेंजेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आपका रिसोर्स हमेशा सेम रहेगा, अगर रिसोर्सेज में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, दैट विल ऑल्सो बी वाइल फ्रेमिंग द योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजीज आपको इन सब चीजों में हेल्प करती है और आपके ऑपरेशनल डिसीजन में भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। तो बेसिकली ये वो पॉइंट्स थे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताते हैं स्ट्रैटेजीज क्यों बनाई जाती है, क्या खूबी लेके स्ट्रैटेजीज आती है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलता है। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमने स्ट्रैटेजी पढ़ लिया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सीरीज ऑफ डिसीजंस या एक्शंस है जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। दैट मीन्स स्ट्रैटेजीज बनाना इज नॉट वन टाइम वर्क, इट कीप्स गोइंग ऑन, इट इज अ कंटिन्यूअस activity, it is a series of action, it is a series of decisions. So it is a series of decisions and actions which leads to the development of effective strategy or strategy to achieve objectives. Strategic management में आपको long term goals के बारे में सोचना है, आपको organization के objective को ध्यान में लेके चलना है, क्या courses of action होते हैं और resources का use. Again, अगर if I'm not wrong, आपको याद होंगे वो चार points जो आपको हर वक्त अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि हर points और definitions के साथ वही चार points वापस आ रहे हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज ईदर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग और सेट ऑफ एक्टिविटीज जिसमें आप स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं, उन्हें लागू करते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो ये भी हो सकता है, यार मेरा कंपेटिटर इतना टर्नओवर इस साल, लास्ट ईयर उसने इतना टर्नओवर उसने अटेन किया है और मेरा इतना था, तो इट्स सपोज टू बी मोर देन माय कंपेटिटर्स टर्नओवर। तो ये भी एक आपकी ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव है तो आप क्या अलग अलग सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे कि सो दैट आप अपने कंपेटिटर को बीट आउट कर सको। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन,
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीरीज ऑफ एक्शन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपने अडॉप्ट करना है। सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ आपको अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी इवैल्यूएट करनी है कि आप भी आपकी क्या स्ट्रैटेजीज चल रही है और आने वाले टाइम में आपको कौन सी नई स्ट्रैटेजीज को एक्शन में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग दी स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चॉइसेस फॉर द फ्यूचर एंड टर्निंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। इज दैट फाइन? तो ये आपका था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जब मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बीच के डिफरेंस की बात करती हूँ तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो टोटली अनसर्टेन है, आपको नहीं पता आप कल क्या नई स्ट्रैटेजीज को बना लोगे, क्या आपका नया कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि जिसमें अनसर्टेन इवेंट्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अनसर्टेन है, टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। एंड एज वी नो वी आर द बिजनेस प्रिवेलिंग इन डायनेमिक एनवायरमेंट, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो वी हैव टू कीप ऑन मैचअप व्हाट एनवायरमेंट, क्या एनवायरमेंट में चल रहा है, राइट? तो इसका मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है, लॉन्ग टर्म है और उसका इम्प्लीकेशन भी लॉन्ग टर्म ही रहता है। और लेकिन जब मैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात करती हूँ, अब आप बोलोगे एकदम से ऑपरेशनल मैनेजमेंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। जब मैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं डेली के ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ और मैं शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस की बात कर रही हूँ, और जब मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रही हूँ, जिसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन आने वाला है। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आप अपनी डेली रूटीन से रिलेटेड, जिसका छोटा छोटा शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन और छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए जो मैनेजमेंट की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। दैट इट मेंट फॉर रूटीनाइज्ड ऑपरेशनली स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशंस। एडवांटेज क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के? बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिस्चार्ज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जिनके हाथ में मैनेजमेंट होती है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करता है व्हेन वी आर डूइंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप डे टू डे बिजनेस थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम सोली कंज्यूम विद वर्किंग थ्रू द नेक्स्ट इशू और प्रॉब्लम। यानी कि आप ये कह सकते हो, आप कीप ऑन असेसमेंट कर सकते हो विद ड्यू टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट डे टू डे बिजनेस से लेकर फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तक वर्कआउट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग का एक फ्रेमवर्क देते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजीज में आप बहुत सारी वर्किंग करने के बाद ही किसी डिसीजन पे आते हैं। तो आपको नए नए चैलेंजेस मिलते हैं, आपको काम करने में मजा आता है। द रीजन इज एज वी नो, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो आप एक जैसा काम डेली नहीं कर रहे हो, रोज नए टास्क, सब कुछ नया। सो स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल स्टाफ कैन मेक डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजन एंड अंडरस्टैंड दैट दोज डिसीजंस आर मूविंग द ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिंगल डायरेक्शन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन सबको यूनाइट करके आगे बढ़ा रही है। इट अलाउ द बोर्ड एंड स्टाफ पार्टिसिपेशन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन में भी बहुत सारे दिमाग चाहिए होते हैं, हमें ये सोचना है हमें किस तरफ जाना है, दैट विल गिव द बेस्ट टू आर ऑर्गेनाइजेशन। सो अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फोर्सेज एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट द ऑब्जेक्टिव। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है और फिर मेजर करना है कि आपने उस गोल को कितना अचीव कर लिया। नेक्स्ट इज योर डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और लिमिटेशन क्या है? आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन को एंटिसिपेट करना पड़ता है कल क्या होने वाला है, लगता है फ्यूचर एनवायरनमेंट में ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो ये होंगे। इट्स नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो देर आर सो मेनी चैलेंजेस वेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वी हैव टू फ्रेम स्ट्रैटेजीज। आपको क्या लग रहा है ऑल टाइम बिल्कुल सही स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट होती होंगी? नो, द रीजन इज हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, हम क्या सोच के चल रहे थे, कुछ और हो गया, देयर विल बी अ क्लैश,
तो जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई है वो फेल भी हो सकती है, इसका भी एक ऑप्शन है। एज वी नो बिजनेस में हर मोमेंट पे, हर टाइम पे रिस्क है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड बिजनेस इज प्रिवेलिंग इन डायनेमिक एनवायरनमेंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। इट कैन बी एक्सपेंसिव, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे एनपीओज, वो अफोर्ड नहीं कर पाती एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को लेने के लिए जो कि स्ट्रैटेजीज बना के दे। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट वर्सेज इमीडिएट रिजल्ट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर डिजाइन टू प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइजेशन विद लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। इनफ्लेक्सिबिलिटी, व्हेन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंसर्न, इट विल रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशन सेइंग नो टू सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपने जो सोचा सारी चीजें उसके हिसाब से नहीं होती, अगर कोई चेंज आए तो आप उसके हिसाब से टाइम टू टाइम अपनी चीजें चेंज नहीं कर पाते, बिकॉज स्ट्रैटेजीज पहले से फॉर्मुलेट होती है, तो थोड़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी का इश्यू रहता है। और अगर लॉन्ग टर्म और इमीडिएट, तो बेसिकली जब आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में ही पता चलता है। तो इसके बाद वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो बेसिकली हमने फटाफट से ये समझ लिया इसके फायदे क्या हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ड्यूटीज उनकी डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि बेसिकली जब आप स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेशल कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ते हैं, ये प्रोसेस एक्सपेंसिव भी है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देता है और इनफ्लेक्सिबल है, इसको टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते। एंड एज वी नो फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता हमारा बताया हुआ डिसीजन कितना फ्रूटफुल और वर्कआउट करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई और आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअल में समझ आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।